एवरीवन, आई एम लकी। वेलकम टू आवर चैनल BHU एंट्रेंस पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं आपको BHU BSc एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2017 का है। 2017 में दो एग्ज़ाम हुए थे, पहला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपको उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपका इसमें 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इस सेट में एक्चुअली आपका 200 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको करने होते हैं 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये काफ़ी आसान होता है आपके लिए करना। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो ईजिली आप BSc AG क्रैक कर सकते हो। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और एक नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी अगर आप एक रॉन्ग करते हो तो। इसमें आपका 5 सेक्शन में क्वेश्चन होता है। सेक्शन 1 में मेंटल एबिलिटी होती है, जिसके 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये कंपलसरी होता है सभी के लिए। नेक्स्ट आपका होता है सेक्शन 2, उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 25 क्वेश्चन होते हैं, ये भी कंपलसरी होता है सभी के लिए। नेक्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें 25 आपके बोटनी के क्वेश्चंस होते हैं और 25 जूलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें आपका फिजिक्स और मैथ्स होते हैं। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, कुल मिला के 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके। और ये आपका जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें सिर्फ मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो के 100 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, उन्हें अदर किसी भी सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैथ्स वाले हैं उन्हें मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स के क्वेश्चंस करने होते हैं। और एक और सेक्शन होता है जिसमें आपका एग्रीकल्चर होता है, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें आपका मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री और प्लस एग्रीकल्चर। तो ये आपको एक पैटर्न मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से इनके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हमें सारे 200 क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन करना होता है जिसके लिए हमने फॉर्म भरा है, या फॉर्म में जो आपने ऑप्शन चूज किया होगा बायो मैथ्स और एग्रीकल्चर, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। इन 3 ऑप्शंस में जो भी आपका ऑप्शन होगा बस आपको उतने ही क्वेश्चन करने होते हैं। जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले आंसर प्रोवाइड कराते हैं कि किसका क्या आंसर होगा। आपका जो मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टर्म ग्रे रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विथ, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, जो ऊल प्रोडक्शन होता है उससे ये कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 2, 3, 4, 5, 6 and 7 प्लेयर्स, व्हाट बी द लीस्ट सच नंबर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3, 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड इन इंडिया, इसका आंसर होगा सेकेंड, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125% कैन बी रिटेन एज, फोर्थ का आंसर आपका होगा 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली इसको कर सकते हो। इफ़ चेयर इज कोडेड एज XSZRI एंड एबव इज कोडेज एज ZYLEV, हाउ एवरी विल बी रिटेन इन एबव कोड, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी इज रिटन एज 123, वेरी हॉट डे इज रिटन एज 356 एंड डे एंड नाइट इज रिटन एज 589, हाउ विल वेरी बी रिटन इन द कोड, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू लेफ्ट
एंड वॉक 10 किलोमीटर्स एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट. इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, 10 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए रॉ 40 स्टूडेंट महेश इज 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड सुरेश इज 25th फ्रॉम राइट. इफ दिनेश इज सिटिंग जस्ट एग्जैक्ट इन बिटवीन देम व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ दिनेश फ्रॉम लेफ्ट. इसका जो आंसर होगा वो होगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नंबर ऑफ बी सी इज सन ऑफ ए डी इज ब्रदर ऑफ ई ई इज डॉटर ऑफ बी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई. इसका जो आंसर है वो है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन अनदर मैन सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर्स देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम. ये सारे आपके रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे इजिली आप इसे कर सकते हो. इसका जो आंसर होगा वो होगा 3. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी 4th इन इंग्लिश डिक्शनरी. इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अमॉन्ग द 3 कंक्लूजन विच इज करेक्ट. इसका भी आंसर आपका 2 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम सेकेंड इन इंग्लिश डिक्शनरी. इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th, मैग्नेटिक. नेक्स्ट जो है आपका वो भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ 4 फिगर्स आप पैटर्न दिया हुआ है और इसमें आपका आंसर पूछ रहा है. व्हाट विल द 5th फिगर इन द सीक्वेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग. इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टीथ इन इट्स ओनली वन जॉज. इसका आंसर आपका होगा काऊ, 2nd. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्प्स इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल. कौन सा ऐसा क्रॉप है जो एडिबल ऑयल भी होता है. इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, मेज. जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं या जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, दोनों ही घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया रहता है, तो परेशान नहीं होइएगा और आप इसे इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सी इज़ रिलेटेड टू बी डी एफ इन द सेम वे एज एफ एच जे इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. 17 का आंसर होगा 4th. इनकम ऑफ ए 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी. इनकम ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ ए इज. इसका जो आंसर होगा वो होगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम व्हाट विल द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल. इसका आंसर होगा 1:4. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज. इसका आंसर होगा आपका 4. इन द फिगर रिप्रेजेंट्स शॉपकीपर शोज कस्टमर्स एंड रिप्रेजेंट्स फार्मर्स हाउ मेनी आर ऑल दीज 3. 21 का आंसर होगा आपका 2. द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर व्हाट विल द एरिया कवर्ड बाई अ मिनट हैंड इन 1 मिनट. 22 का आंसर आपका होगा 3. 10:4:15. इफ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज एंड नोज इज कॉल्ड टंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सन हियर. तो 23 का आंसर होगा आपका 3, नोज. फॉर सोइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन टर्म्स इज जनरली नॉट यूज्ड. 24 का होगा 3.
वन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेक संबत पंचांग, साक संबत पंचांग द थर्ड मंथ ऑफ ईयर इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4 जेस्ट। अब आते हैं हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे जो आपके सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ये भी सभी के लिए कंपलसरी होता है, जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, बायो वाले हैं या फिर एग्रीकल्चर वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरिस्ट्रेंड एक्सपेंशन नो कूलिंग ऑकर्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। ये आपके स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से क्वेश्चन है, वहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हो। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर। ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से है, वहाँ पे आप जाओगे एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी दिया हुआ है। और इससे हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपके, तो वहाँ पे इन चीज़ों को मैं डिस्कस भी करूँगी, आपको बताऊँगी कि ये क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये भी आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर से है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काफ़ी ईजी है और आप इसे आसानी से कर सकते हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग के ओ टू एल ओ टू माइनस बी ए ओ टू एंड एन ओ टू प्लस द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है, जब वहाँ पे आप इसको देखोगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सी ओ इज। ये भी आपका एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। द कंपाउंड दैट इज नॉट ए लेविस एसिड इज, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लेविस एसिड नहीं है। ये भी आपका एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ही है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, BaCl2। जितने भी अलग कंपाउंड्स हैं जैसे कि BF3, AlCl3 और SnCl4, ये सारे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लेविस एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर द रिएक्शन CO+H2O CO2+H2 एट ए गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाई। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम वैल्यू फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी इज। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3, मोर देन इंथैल्पी चेंज। ये आपके थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर से है, कंसीडर ए रिएक्शन Ag+BH प्रोडक्ट्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स जी एंड एच इज डबल द रेट इंक्रीजेज बाय 8 टाइम्स। हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एच फिक्स द रेट डबल द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसे ईजिली कर सकते हो। 34th नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा आपका 4, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0.004 mNa2SO4 इज आइसोटोनिक विथ 0.01 m ग्लूकोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज। ये आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर से है क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से है, वहाँ पे ये सारे रिएक्शन ईजिली दिए हुए हैं, अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BOH होल 3 प्लस NaOH Na गिव्स
NaBO2 plus NaBOH whole 4 plus H2O. How can this reaction is made to proceed in forward direction? इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 एडिशन ऑफ cis-1,2-diol. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5R. ये भी आपका केमिकल बॉन्ड चैप्टर से है. इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कंपाउंड HgCOHCN होल फोर इज. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा आपका 2. इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 एंड एज द n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स ए सॉल्यूबल मेटल कम्प्लेक्स विथ ए डायलूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ. इसका जो आंसर होगा वो होगा 2. When MnO2 is fused with KOH, a colored compound is formed. The product and its color are. इसका आंसर होगा 1. K2MnO4 पर्पल कलर का होता है. Among the following, the most basic compound is. इसका जो आंसर होगा वो होगा 1. बेंजाइलमीन आपका सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-hexene gives trans 2-hexene on treatment with. ये आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है. इसका आंसर आपका होगा 1. जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चलेगा ये ट्रांस एल्कीन है और ये एनसीईआरटी में आपका ये रिएक्शन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर ए SN2 रिएक्शन इज. इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड इज प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सानॉल इज बाई यूजिंग. इसका आंसर आपका होगा 2 कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली एंड आयोडीन इज. इसका आंसर होगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजामाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ POCl3 गिव्स 47. इसका आंसर होगा 2. ये सारे ही आपके NCERT में दिए हुए हैं. सारे रिएक्शन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे आप चैप्टर्स में जाके पढ़ के वहाँ देख सकते हो. द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज. इसका जो आंसर होगा वो होगा 1st टोलुइन इन द कैनिजारो रिएक्शन. ये सारे जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं और ये सब आपको 12th सेकंड बुक में मिल जाएंगे ईजली. इसका आंसर होगा आपका 2nd ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का 2 फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोज आर कॉल्ड. इसका आंसर होगा 2. ये आपके एनोमर्स कहलाते हैं. अब आते हैं हम बोटनी एंड जूलॉजी पे. आपका जो बोटनी है उसका पहले क्वेश्चन दिया हुआ है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट. इसका आंसर होगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका हमेशा ही अपराइट होता है. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय. ये आपका SO2 और NO2 की वजह से होता है. तो इसका आंसर भी होगा 3. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है फाइलोड इज मोडिफिकेशन ऑफ. ये पेटियोल में मोडिफिकेशन होता है. तो इसका आंसर होगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेड और कैपिचुलम इन फ्लोरिसेंस इज फाउंड इन. हीड एंड कैपिचुलम. हीड को ही हम कैपिचुलम भी कहते हैं. इसका आंसर होगा आपका 2. ये सनफ्लावर में अवेलेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज. इसका आंसर होगा 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट? ये आपका बोरॉन होगा। बोरॉन आपका मैक्रो होता है, माइक्रो नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ऑल्सो एज सनड्यू प्लांट? इसका आंसर होगा सेकेंड, ड्रोसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द थ्री माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ? तो ये आपका सैलिनिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म? ये आपका नियोटिया होता है, इसका आंसर, ये आपका सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलवुड ऑयल ऑफ सैंटेलम एल्बम इज? इसका आंसर होगा टू, एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं हमारे सैंडलवुड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड? ये आपका आर्जिनिन की वजह से होता है, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली सिनग्रीन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल इज फाउंड एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल ऑफ? ये इसका आंसर होगा थर्ड, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m ग्लूकोज एंड 0.1 m सुक्रोज द सेम बिकॉज? ये दोनों ही क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है इसलिए इनका ऑस्मोटिक बैलेंस सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स? ये आपका इन्वॉल्व करता है क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ ए डबल रिसेसिव फिनोटाइप, इसका आंसर होगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स? इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉलिड थ्रू द फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन स्टोमाटा ओपन ओनली एट नाइट दे आर कॉल्ड? तो इन्हें हम स्कोटो एक्टिव कहते हैं जब सिर्फ नाइट में ओपन होता है, इसका आंसर होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एंजाइमेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन स्टोमेटल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एसोसिएटेड विद स्टार्च सुगर कन्वर्जन? इसका आंसर होगा वन, फॉस्फोराइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स ऑफ हिल रिएक्शन आर यूज इन ब्लैकमन्स रिएक्शन? इसका आंसर होगा आपका वन, ATP एंड NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3PGA इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज? इसका आंसर होगा कार्बन रिडक्शन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरुलिना इज रिच सोर्स ऑफ? इसका आंसर होगा आपका वन, ये फैट का रिच सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम? तो ये आपका क्रोकस सैटिवस से ऑब्टेन किया जाता है सैफ्रॉन, तो इसका आंसर होगा थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर? ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को कहते हैं, इसका आंसर होगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंक्ड बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल इज? ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो लिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जूलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन? इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट द एम्फीबियंस डेवलप्ड ड्यूरिंग दी? ये ऑर्डोविसियन पीरियड है, इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 1798? इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, थॉमस माल्थस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टीब्रेट। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालपिगन ट्यूबुल्स ऑफ इंसेक्ट्स इज, ये आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मैचिंग हैज शोन दैट ह्यूमंस आर क्लोजेस्ट टू। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ये चिंपैंजीज से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीडोजेनेसिस रेफर्स टू, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ गुनेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ प्रोटीन दैट मार्क द फॉरेन प्रोटीन फॉर एलिमिनेशन आर, इसका आंसर होगा 4, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं, इन्हें वो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग थे इसलिए उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, माइन्यूट टू माइन्यूट रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन एडल्ट ह्यूमन इज डन बाय, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, पाराथर्मोन। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, इसका आंसर होगा 3, लिमिटिंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो 4th है। जब आप इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये एक्चुअली एनसीईआरटी से लिया हुआ है, जब आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर और रेस्पिरेशन चैप्टर तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटर कोडॉन, इसका आंसर होगा UAZ। नेक्स्ट है आपका, एसिड हाइड्रोलिसिस आर पैक्ड इन दी, इसका होगा लाइसोजोम्स। आपके जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या एसिड्स कह लो वो आपके लाइसोसोम्स में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉजेज, इसका आंसर होगा फर्स्ट, परनीसियस एनीमिया कॉज करता है। पॉलीटीन क्रोमोजोम आर फाउंड इन, ये आपका सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है जो कि लार्वा का क्रिएशन करता है, तो पॉलिटीन क्रोमोजोम आपके सेलिवरी ग्लैंड में अवेलेबल होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटीड इज नोन एज, ये आपका स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन, ये आपका फ्रेश वाटर इको सिस्टम है, इसमें आपका इन्वर्टेड प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, ये आपका होगा कमेंसलिज्म, ये को इवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉटसन क्रिक डीएनए स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, ये आपका एक्चुअली बी फॉर्म होता है, तो वॉटसन क्रिक डीएनए मॉडल जो है वो बी फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर होगा 2, NADH। एस्ट्रोआइडल इज सिंथेसाइज मेनली बाय दी, तो ये आपके ग्रैनुलोसा सेल से एस्ट्रोआइडल जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डीन आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये आपके हीमोग्लोबिन से डिराइव्ड रहते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डीन। इतना आपके जो भी बायो वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए इतना ही क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन में आपको मैथ्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं और आपको एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें आपको फिजिक्स मैथ्स के 25 मैथ्स के एंड 25 फिजिक्स के हैं और 50 एग्रीकल्चर के हैं। इसके सॉल्यूशन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे।
तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। अगर आप कुछ हमें रेकमेंड करना चाहते हैं तो हमें हम कमेंट करके प्लीज़ हमें रेकमेंड करें और कनेक्टेड रहें। यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ जब हम आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना, तो उसमें बताएंगे कि कहाँ से आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मैथ्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BHU एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ पे आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में 2017 फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ BSc AG का क्वेश्चन आपको बायो स्ट्रीम का प्रोवाइड कराया था, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आंसर दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स और एग्रीकल्चर के आंसर देने जा रही हूँ। ये भी आपके BSc AG 2017 के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम का। सेकंड एग्ज़ाम का भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपके जो भी मैथ्स स्ट्रीम वाले होंगे और जो एग्रीकल्चर वाले होंगे, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपका जो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इस तरह से दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ए बी और ए सी, बी ए प्लस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर, इस तरह का मोड में दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, वो होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए इक्वल्स 4, देन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर -1 इज़। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। इसके सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे वीडियो में, आप इससे कनेक्टेड रहें। आपको सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, तो आपको कहीं भी परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए इक्वल्स 1 to 3 एंड बी इक्वल्स xy, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ टेन 75 डिग्री प्लस कॉट 75 इज़। इसका आंसर होगा आपका 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स अल्फ़ा एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स बीटा, देन वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस बी बाई टू, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 अल्फ़ा बाई बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos थीटा। इसका आंसर होगा 4, 2 cos थीटा। द लीस्ट पॉजिटिव इंटरनल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + i / 1 - i^n इज। इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + x + 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज। इसका आंसर भी आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 persons इंटर ए रेलवे कंपार्टमेंट इफ देयर आर 5 seats वैकेंट इन, हाउ मेनी वेज कैन दे टेक दीज सीट्स। 109 का जो आंसर होगा वो होगा 1। द सम ऑफ द सीरीज 1² + 3² + 5² टू एन टर्म्स इज। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x→π/4 sin x - cos x / x - π/4। इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शंस, आप क्वेश्चंस देख रहे हो। नेक्स्ट 112 का जो आंसर होगा वो होगा 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 - 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग टेन एक्स बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इज, इसका आंसर होगा 2 sec x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी होगा 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप अगर सारे फॉर्मूलाज और कुछ ट्रिक्स आपको पता हैं तो आप इजीली इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज, ये इंटीग्रेशन करना है आपको यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर 2 - x² dx इज, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन बिटवीन द लाइन x इक्वल टू एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 8x इज, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स dy बाई dx प्लस c बाई dy बाई dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट इक्वेशन है आपका, इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy इक्वल्स 2x² + 1 dx एंड x नॉट इक्वल्स 0 इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y sec x इक्वल्स 10x इज, इसका आंसर होगा 4। बहुत ज़्यादा आपको सॉल्यूशन भी नहीं करने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, ये होता है रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन, द वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ हिट्स इन 2 tosses ऑफ ए क्वाइन इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। तो आप जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको करना होता है मेंटल एबिलिटी के 25 questions, केमिस्ट्री के 25 questions और फिजिक्स और मैथ्स के 25 questions। आपका मैथ्स में 25 ही questions होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप इसमें 100 में से 70-80 questions आप कर देते हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे चांसेस होंगे एडमिशन लेने के। आगे आते हैं हम फिजिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, इफ़ जी सी एंड एच आर दी फंडामेंटल कॉन्स्टेंट देन द यूनिट ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका जो आंसर होगा वो रूट अंडर एच जी बाई सी टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू इक्वल्स पी आई प्लस क्यू जे मीटर पर सेकेंड, इफ़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट देन, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। ये आपका काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 masses आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर बिलो ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 60 newton, द टेंशन T1 एंड T2 आर इन रेशियो, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। ये फ्रिक्शन चैप्टर से है, ये भी काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। द वेव डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल्स 2.025 साइन 10 पाई एक्स
माइनस टू पाई टी, वेयर एक्स एंड वाई इन आई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, द वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज एंड लेमडा 0.2 मीटर। ये आपके वेव वाले चैप्टर से है, साउंड एंड वेव चैप्टर से, ये डायरेक्ट इक्वेशन से आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर टायर्स एंड द रोडवेज इज 0.2, द मैक्सिमम स्पीड विथ विच कार कैन ड्राइव राउंड ए कर्व ऑफ रेडियस 18 मीटर विदाउट स्किडिंग। ये भी आपके काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 3। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज वाई और गामा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी टू टू वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज। ये आपका थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर से है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, पी वी बाई गामा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, R1 इक्वल्स 1.5 R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो ऑफ। ये भी आपके थर्मोडाइनमिक चैप्टर से है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए हॉलो पाइप ऑफ लेंथ 0.8 मीटर इज क्लोज्ड एट वन एंड एट इट्स ओपन एंड ए 0.5 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड हारमोनिक एंड इट्स रेजोनेट विद द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, इफ द टेंशन इन द वायर इज 50 न्यूटन एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ स्ट्रिंग इज। इसका आंसर जो होगा वो होगा 2। ये आपका साउंड वाले चैप्टर से है इसका क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। अगर आप सिंपली फिजिक्स में भी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एच इज द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज एंड आर बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी करेक्ट। इसका आंसर होगा 1, एच आर जो होगा वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेवल ऑफ वाटर इन ए टैंक इज 5 मीटर हाइट, ए होल ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर इज मेड इज द बॉटम ऑफ द टैंक, द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द होल इज। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 metal wire ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ σ1 एंड σ2 आर दी कंडक्टिविटीज ऑफ मेटल रेस्पेक्टिवली, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ कम्बिनेशन इज। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लेन मिरर्स 2 plane mirrors M1 and N2 are arranged at right angles to each other shown in the figure. A ray of light is incident on the horizontal mirror at an angle of theta. For what value of theta the ray emerges parallel to the incoming ray after reflection from the vertical mirror? इसका जो answer होगा वो होगा 4। इसमें सारे के सारे angle पे 60 degree पे, 30 degree पे and 45 degree पे भी ये उसके parallel ही आएगा। ये आपके ऑप्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 kW इफ जी इक्वल्स 10 m/s², द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 meter टू ए हाइट ऑफ 10 m इज। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है आपका, इसमें इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिंग ऑफ रेडियस आर कैरिंग जस्ट चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस आर टू ए डिस्टेंस ऑफ आर बाई रूट टू अमोंग द एक्सिस। इसका आंसर होगा आपका 3। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए करंट ऑफ 2 A फ्लोज इन बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 12 volts, इफ ए करंट ऑफ 3 A फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 volts, द EMF ऑफ द बैटरी इज। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। आप देख रहे हो कि फिजिक्स में हर एक चैप्टर से आपके 2-2 क्वेश्चन हैं और वैसे भी सारे चैप्टर्स हैं, मतलब मैक्सिमम आपके जितने भी 12th के पोर्शंस हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं,
तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और 11th में काइनेटिक्स से बहुत क्वेश्चंस होते हैं। काइनेटिक्स मतलब आपका जो मोशन हो गया, वर्क एनर्जी, पावर, फ्रिक्शन, ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं इनसे भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा साउंड एंड वेव से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइव रेसिस्टेंस ईच ऑफ 10 आर कनेक्टेड, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आपका एक्स और वाई के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपके EMI वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। जब आप इसमें इक्वेशन देखोगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर होगा आपका 4। नेक्स्ट है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप इज मेड अप ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस, ए करेंट आई इंटर्स थ्रू वन ऑफ द वर्टिकल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड एग्जिस्ट फ्रॉम ईच अदर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन ए सिस्टम ऑफ 5 पोलर वायर्स विच आर अरेंज्ड इन सक्सेशन दैट द पास एक्सिस ऑफ ईच पोलर वायर इज टर्न थ्रू 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिसीडिंग वन, द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी दैट पासिस थ्रू द सिस्टम इज, इसका भी आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर इज, इसमें आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये भी आपका EMI का क्वेश्चन है, EMI चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से है। तो इसका आंसर आपका होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन NPN ट्रांजिस्टर हैविंग AC करंट गेन ऑफ 50 इज़ टू बी यूज टू मेक एन एम्पलीफायर ऑफ पावर गेन ऑफ 300, वट विल द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ये आपके मॉडर्न चैप्टर से है, सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर से। इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट है आपका, द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट टू, ये भी आपके मॉडर्न से ही है। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे जैसे मतलब हर एक चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडर्न के भी आपके इस तरह से 2 क्वेश्चंस हैं। आपका EMI से भी 2 क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चंस हैं, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन है। तो जो भी इस तरह के चैप्टर्स हैं आपके, उन सबसे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क फॉर ईच कैपेसिटर इज 2। ये डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला आता है। 148 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, √3 − 1F। इस तरह के कुछ सीरीज होते हैं, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, या फिर फिजिक्स के लिए आप SC वर्मा के क्वेश्चंस कर सकते हो। भले ही आप उसके जो कंटेंट दिए हुए हैं वो ना पढ़ो, लेकिन आप SC वर्मा बुक ले सकते हो और उसके जितने क्वेश्चंस हैं आप वो क्वेश्चन करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 cycles per second, द टाइम पीरियड टू मूव फ्रॉम द मिड पॉइंट टू x = a/2। ये आपका SHM वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल एंड 5 बीटा पार्टिकल्स, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इन दैट प्रोडक्ट विल बी, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। ये भी आपके मॉडर्न वाले चैप्टर से है। ये आपका ओवरऑल फिजिक्स था। इसके बाद आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं, एग्रीकल्चर के इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे आपके। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर वाले होंगे उनको मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस,
केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस और एग्रीकल्चर के 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। बहुत बार हमें क्या होता है कि पता ही नहीं होता है कि हमें कौन कौन सेक्शन के क्वेश्चन करने होते हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करके आ जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वैसे हम अपने वीडियोस में आपको बताते रहेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस के सारे आंसर्स। यहाँ पे आपका है पोमग्रेनेट बिलोंग्स टू फैमिली, ये आपका इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ विटामिन ए इज हायर इन, इसका आंसर होगा आपका 1। कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर, इसका आंसर होगा 1। 1948 में आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, 160 के क्वेश्चंस जो है वो हैं उसका आंसर होगा 2। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस रॉन्ग थे और वो आपके उसके आंसर्स भी रॉन्ग थे, तो इस वजह से उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, तो बीच के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका 161, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर लाइट सॉइल, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, ग्राउंड नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट पल्स क्रॉप इन इंडिया, ये आपका सोयाबीन होगा, इसे हम पल्स नहीं मानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, ये आपका होगा वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर आपका वेस्ट बंगाल होता है। एग्रीकल्चर में आपके जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे पूछे जाते हैं। आप इसके लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल होता है, वो लेके आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डिस्कवरीज वगैरह हुई हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आपके जो बीच के क्वेश्चंस थे वो फिर से प्रोवाइड किए गए हैं, वो यहाँ पे हैं आपके 155 नंबर क्वेश्चन। द ICER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एज, ये आपका कानपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कल्टीवेट राइस इन रबी सीजन ऑल्सो, इसका आंसर होगा 1, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन, ये आपका मेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एम्फी डिप्लॉयड, ये आपका वीट जो होता है ये एम्फी डिप्लॉयड इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ द सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर इज, ये 2017 में का क्वेश्चन है और उसी टाइम का, ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर एमपी सिंह। नेक्स्ट आते हैं 164 नंबर क्वेश्चन है और ये है फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन DAP इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, ये आपका फंगस डिजीज होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलफॉर्मेशन डिजीज इज कॉमन इन, मलफॉर्मेशन आपका मैंगो में जनरली होता है, तो ये आपका इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिकुलर ब्लीडिंग हेल्प्स प्लांट ब्रीडर इज, ये आपका इम्प्रूवमेंट इन पॉपुलर वेराइटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका खैरा डिजीज इन राइस इज कॉज्ड बाय, ये आपका जिंक डिफिशेंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया ब्लाइट इन मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय, ये फंगल डिजीज होता है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्व्ड बाय लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय,
ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, फ्लोएम के थ्रू होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। इसका आंसर होगा फर्स्ट एथिलीन। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस इज नोन फॉर, ये हाई विटामिन ए के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्लिका इज ए वेराइटी ऑफ। 173 का आंसर जो होगा वो होगा वन, एप्पल वेराइटी का नाम रखा गया है मल्लिका। ए जीन फ्रॉम फिश इंट्रोड्यूस्ड इनटू राइस, देन दिस राइस प्लांट विल बी नोन एज, इसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉप बिलोंग्स टू ब्रैसिका जूनसिया इज, ब्रैसिका जूसिया किससे कनेक्टेड है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थ्री, मस्टर्ड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। इसका आंसर होगा टू, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये जो थे ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के थे। म्यूटेशन इज जनरली रिसेसिव एंड हार्मफुल। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ये आपका युआंग लॉन्गपिंग जो है ये माने जाते हैं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ये आपका सारा का सारा होगा, एजोला भी आपको बायो फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है, राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट है आपका, यूरासिल इज प्रेजेंट इन, ये सिर्फ आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ब्राउनिंग सिम्टम्स इज इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ये आपकी बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीजीपीआर इज कंसर्न्ड विथ, ये आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन प्लांट से कनेक्टेड होता है आपका पीजीपीआर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रोन सुटेबली एज एन इंटर क्रॉप इन वीट, तो आप मस्टर्ड को वीट के साथ लगा सकते हो, पहले मस्टर्ड आपका ग्रो कर जाता है उसके बाद वीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, इसका आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रास हॉपर बिलोंग टू ऑर्डर, ये आपका अर्थोपोडा में आता है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके ऑर्थोप्टेरा में आते हैं। नेक्स्ट है, एस आर आई इज मेथड ऑफ, ये आपका पैडी कल्टीवेशन का मेथड होता है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिड इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ, ये आपका मस्टर्ड का मेजर प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइटिकम एस्टिबम इज द बोटनिकल नेम ऑफ, ये वीट का नेम होता है, तो इसका आंसर होगा थ्री। नीलम एंड दसहरी आर दी पेरेंट्स ऑफ वेराइटीज, ये आपका मल्लिका एंड आम्रपाली बोलते हैं इसको, ये आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशीर्वाद इज ए वेराइटी ऑफ, ये आपके मस्टर्ड की वेराइटी है जिसे हम आशीर्वाद कहते हैं। नेक्स्ट है, विच क्रॉप इज बींग यूज एज ग्रीन मैन्योरिंग, ये आपका सिस्बेनिया को बोलते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग सिस्बेनिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दी माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इन्हेंसिंग ऑयल कॉन्टेंट इन मस्टर्ड, ये आपका होता है सल्फर। नेक्स्ट है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज अवेलेबल इन वीट ग्रीन, ये आपका 9 to 13% होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल, ये आपका राजमास होता है। 196 क्वेश्चन है, फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल वी यूज, हम जिप्सम यूज करते हैं। रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का रेंज जो होता है वो -1 to +1 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूसा नन्हा इज ए वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? इसका जो आंसर होगा वो होगा टू, ये पपाया से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर 16 देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसका आंसर होगा 15, ये एन माइनस वन हो जाता है। ईमैस्कुलेशन इन पैडी इज प्रेफरेबली डन इन, ये आपका आफ्टरनून में किया जाता है। ये सारे आपके इस सेक्शन में फिजिक्स, मैथ्स और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको उसके आंसर बताए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके हमारा मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और इस चैनल से आप कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस पर आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रिपरेशन के लिए, BHU एंट्रेंस के लिए आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप प्लीज़ यहाँ कनेक्टेड रहें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन भी आप दे सकते हैं।